नमस्ते जी, कैसे हो सब आप? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ राजपूत गांव से। आपके लिए 5 BHK विला लेकर आया हूँ ग्रेटर मोहाली सेक्टर 125 न्यू सन इनक्लेव में। यहाँ पे कम से कम भी एयरपोर्ट रोड मोहाली सेक्टर 125-123 जो बढ़िया सेक्टर हैं हमारे, ये दो सेक्टर अच्छे हैं जो एयरपोर्ट रोड पे प्रॉपर हमारे लोकेशन वाइज सबसे बेटर हैं ग्रेटर मोहाली के। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अच्छा कर रहा है कोई ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। हर बिल्डर का अपना सिस्टम, अपना कंसेप्ट है, फ्रंट एलिवेशन से लेके लेआउट कितने गज में हैं, सब चीज़ें हैं, अलग अलग बजट में सब चीज़ें आ जाती हैं। जो आपका बजट है वो सबसे मेन जो हमारा मैटर करता है। आप मानोगे नहीं, यहाँ पे कम से कम भी 5,000 विला बन रहा है और 100-200 के करीब बिल्डर काम कर रहे हैं और 5,000 डीलर काम कर रहा है सनी सनी में। तो अगर आप हमारे पास विजिट करने आते हो तो 10 जगह ऑब्वियसली बात है, मैं तो मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। आप अच्छे से एक बार घूमो, मार्केट का सर्वे करो और हमारे पास आओगे तो बस यही आपको 180 गज में कॉर्नर एंड 150 गज में नॉन कॉर्नर ही विजिट हम करा पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यही है और इसी पे हमने सारी फोकस, इसी पे हमने सारे जो अपना एक अमाउंट होती है सारी इसी पे हमने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ अपना आपके लिए। बस मेन सारी चीज़ें आ जाती हैं बजट पे, जो आपका बजट है वो हमारे साथ मैच करता है, कैसे सिस्टम रहेगा करेगा। क्योंकि जो यहाँ पे 150 गज, 200 गज, 180 गज कॉर्नर नॉन कॉर्नर में चीज़ें हैं, लोगों ने 100 गज वाले जो 22x45, 22x55, 23x55, 27x55, 125, 135 गज में वही बहुत टाइम पुराना लेआउट चल रहा है कि पीछे दो बेडरूम है, अटैच वॉशरूम, ड्राइंग रूम, मॉलर किचन है। तो ये वीडियो वैसे अभी बननी नहीं थी, क्योंकि ये इसीलिए बनी है, अभी तो फ्रंट एलिवेशन का टाइल वर्क चल रहा है सारा, ऊपर छज्जों का काम चल रहा है, लाइटिंग का, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं हो पाएंगी मेरे हिसाब से, तो 30% हो पाएंगी, पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो थोड़ी सी जो मेरा कंसेप्ट है, जो सब चीज़ें हैं, अगर आप सर्च कर रहे हो, अगर आपने सर्च करना है तो एक डिफरेंट चीज़ आपको मिलेगी। पहली बात तो 150 गज 5 BHK बनाता ही नहीं है कोई भी, और 150 गज में जो मैं आपको लेआउट दिखाने जा रहा हूँ ये भी आपको मिलेगा नहीं, तकरीबन आप घूम के देखो, अगर आप 20-25 इंडिपेंडेंट हाउस घूमते हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, और लेआउट बहुत डिफरेंट है, वो एक बार अंदर जाके ही पता चलेगा। पर जैसा ग्राउंड का सेट है, एज एट इज ही फर्स्ट फ्लोर है, टॉप फ्लोर पे 1 BHK सेट है प्लस किचन, किचन बेडरूम अटैच वॉशरूम टॉप फ्लोर पे। अगर आपने थर्ड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करवानी है वो भी आप करा सकते हो, क्योंकि हम नक्शा आपको थर्ड फ्लोर तक का हमने पास करवाया हुआ टोटली। एक बार अंदर चलते हैं, यहाँ पूरा बसावट है एरिया, यहाँ इधर भी विलास बने हुए हैं, बीच में 35 फिट रोड है, इधर भी विलास हैं, सामने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारे, और सामने फ्लोर्स हैं, इधर सारे इंडिपेंडेंट हाउस हैं, लोग रहने लग गए हैं यहाँ पे। ये पूरा 150 गज रहेगा, बस मैंने कंसेप्ट समझाना है, बाकी बस विजिट आपकी है, अभी तो इसको टाइम लग जाएगा। ये है 4 मंथ पोजेशन विला मिलेगा आपको, मैं ऐसे ही बोलूँ, अभी थोड़ा बहुत अंदर हमने पानी वगैरह छोड़ा हुआ है। एक बार फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा ग्राउंड का सेट है एज एट इज ही फर्स्ट फ्लोर रहेगा, और सबसे मेन चीज़ है ये देखो, इसको बोलते हैं बीम, 16 mm की 16 लेंथ इसमें यूज़ की हुई है, 2x9 का ये बीम रहेगा, और जितनी विंडो चौगाठे दरवाजे हैं सबके ऊपर डोर बीम डाले हुए हैं, कंस्ट्रक्शन A1 है। जैसे ग्राउंड का सेट एज एट इज फर्स्ट फ्लोर है, सबसे मेन चीज़ रहेगी यहाँ पे आएगा आपका डाइनिंग एरिया, इस जगह पे ये मॉलर किचन है सारी, टोटली इतनी बड़ी मॉलर किचन रहेगी, ये अपना प्रॉपर ड्राइंग रूम आएगा यहाँ पे, प्रॉपर ड्राइंग रूम, ये बेडरूम है स्पेशियस, अटैच वॉशरूम के साथ मिलेगा आपको, इसके साथ कॉमन है ये ड्राइंग रूम के साथ, एक बेडरूम इधर है यहाँ पे बंदा थोड़ा सा, ये भी इसी साइज का रहेगा अटैच वॉशरूम के साथ, जो ये बड़ा बेडरूम है उसका वॉशरूम है, वो बैक साइड पे बैक बालकनी में मिल जाएगा,
ये वाला वेंटिलेशन बड़ी क्लियर है। जो बैक साइड विला बैक टू बैक बालकनी स्पेस बहुत है। जैसा ग्राउंड का सेट है एज इट इज फर्स्ट फ्लोर है। नीचे थोड़ा बहुत पानी छोड़ा हुआ है हमने क्योंकि वहाँ पे अभी टाइलिंग का काम चलेगा, भरते वगैरह डालना है। जो टॉप फ्लोर का कंसेप्ट है 1 BHK के ऊपर हमने बेडरूम बनाया हुआ है। टोटल 5 BHK के विलाज हैं। एक बार टॉप फ्लोर पे चलते हैं। आप जितनी मर्जी विजिटें कर लो, मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करोगे तभी बेस्ट प्रॉपर्टी मिल पाएगी। एक बार जाओ विजिट करने। जो सबसे मेन चीज़ आ जाती है टॉप फ्लोर का 1 BHK वॉशरूम। वेंटिलेशन के लिए बैक साइड से हमने जो हमारा ग्राउंड एंड फर्स्ट की वॉशरूम है उसकी वेंटिलेशन के लिए हमने बैक साइड से एक डक्ट छोड़ी हुई है। ये किचन है छोटी सी, ऊपर सर्वेंट रूम है। और ये देखो आप सबसे मेन चीज़, ये कॉलम छोड़े हुए हैं हमने, वहाँ पे भी ये फ्रंट का छज्जा है। सेवन डेज अवेलेबिलिटी रहेगी, जब मर्जी विजिट करने के लिए आओ। 5 BHK 150 गज में। लेआउट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेआउट आपको वहीं पर मिलेगा जो लोग बड़े टाइम से 2 बेडरूम पीछे हैं, अटैच वॉशरूम के साथ ड्राइंग रूम वॉलर किचन है। इस लेआउट में यही डिफरेंट है कि एक तो ड्राइंग रूम अपना सेपरेट हो गया और जो हमारा यहाँ पर डाइनिंग का आ जाता है, जो ईटिंग टेबल है 7 सीटर 6 सीटर 12 सीटर भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी है। सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जमा पूंजी लगानी है, एक बार विजिट करो। अभी विलाज बन रहे हैं तो 30% ही वर्क हुआ है, 40 हमारे बोलने से हो जाता है थोड़ा बहुत समझाने से। यहाँ पे कार पार्किंग एरिया भी अभी तो गेट वगैरह बना नहीं है, आराम से आपकी 7 सीटर आ जाएगी।